भक्तियों ठाकुर लिख रहे हैं कि गृह ठाकुर बने ठाकुर सदा हरि बोले ठाकुर। एक एंगल ये भी है कि चाहे घर में हो चाहे वन में हो, सदैव भगवान का नाम लो। अब आप ये बोलोगे कि भगवान का नाम लेना मुश्किल है गृहस्थ आश्रम में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, नहीं तो ब्रह्मचर्य आश्रम में भी आसान नहीं है क्योंकि दौड़ के ढोल साहब नहीं लगते हैं। गृहस्थ आश्रम में अगर बीवी बच्चे तंग करते हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम में डिवोटीज तंग करते हैं, वहाँ पे कंपनी की पॉलिटिक्स है, यहाँ पे टेंपल पॉलिटिक्स है, कुछ ना कुछ तो चलता ही है। जहाँ दो लोग हैं वहाँ पे चिकपिक तो होती है। इसलिए हमें भगवान ब्रह्मा जी कह रहे हैं तत्यनुकंपाम सुसमीक्षमानो, क्या है पूरा, मुंजाने वात्मकृतम विपाकम विद्वाग वपुर्विर विधिधन नमस्ते जीवे तो यो मुक्ति पदे सदाया भाग। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। सेकंड कैंटो, सेकंड है, टेंथ, टेंथ है, टेंथ में मुझे लगता है सेकंड होता है, नहीं टेंथ, हाँ ऐसे ही कुछ है। हाँ दो सेम सेम चल रहे हैं, हाँ सेम सेम चल रहे हैं, हो सकता है टेंथ में नहीं। भागवत कह रही है कि जो भी आप सिचुएशन में हो, चाहे गृहस्थ में चाहे ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी ऑफकोर्स ज़्यादा बेटर है तो मानता हूँ मैं, ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, अननेसेसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है फैमिली की, बच्चों की, जॉब की, वो तो कोई भी जिसमें थोड़ा सा भी दिमाग है समझ जाएगा। मगर अब जब पहुँच ही चुके हो वहाँ तो अब फ्रस्ट्रेट होने का कोई पॉइंट नहीं है। तो अब आप अपने जी कह रहे हैं कि जहाँ जिस पोजीशन में हो उसको भगवान की कृपा के रूप में देखो। तत्यनुकंपाम सुसमीक्षा, हर क्षण भगवान की कृपा अनुभव करो। ठीक है, भगवान की कृपा आपने मुक्ता करी, आप फंस गए गृहस्थ में, मगर भगवान की इतनी कृपा है कि गृहस्थ में होते हुए भी भगवान ने आपको भक्ति करने का मौका दिया। और अगर आपके अगर आपके वाइफ और बच्चे भी डिवोशन करें तो बहुत ही अच्छा, सोने पे सुहागा है। और ये भी है कि भगवान आपको टाइम भी दे रहे हैं थोड़ा सा भक्ति करने के लिए, जॉब चलो वो तो जो टाइम वेस्ट हो रहा है हो रहा है। और अफकोर्स जो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, जो आप फंस गए हो, वो भी भगवान की कृपा है। मूर्ता आपकी है मगर फिर भी भक्ति ना मूर्ता को भी कृपा बना देती है। तो उससे हमें ये अनुभव हो रहा है कि देखो संसार इतना बेकार है, हो रहा है ना, क्योंकि पता है क्या है, कभी कभी क्या है कि मान लीजिए आप गृहस्थ में नहीं होते, मान लीजिए सपोज़ आप बिना, आप जैसे फुल टाइम बन जाते हैं शादी से पहले, तो हो सकता है कि आपको ये आपको कभी पता ही नहीं लगता कि संसार इतना ख़तरनाक है, इतनी फालतू की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं नहीं। अब हम जो जहाँ पर है ना वहाँ फिर भगवान उसके अकॉर्डिंग अरेंजमेंट कर देते हैं। ठीक है, अगर हम फंसे हुए हैं तो भगवान की कृपा है कि भगवान हमें याद दिला रहे हैं कि देखो तुम अगले जीवन में अगर होता है तो गृहस्थ में मत जाना, थोड़े से सुख के लिए इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमने ले ली, तो अब ये लाइफ हम एंड करें और भगवान के पास हमेशा के लिए चले जाएं। तो एक प्रॉब्लम्स हमेशा, जो आदमी प्रॉब्लम में होता है ना, प्रॉब्लम्स गोल को भी ध्यान दिलाती हैं। अगर ज़्यादा कंफर्टेबल जोन में आ जाते हैं तो आदमी भूल भी जाता है भगवान को, ये भी होता है ना। इस तरह से हम देखें कि ठीक है, पॉजिटिव भी कृपा है, नेगेटिव भी कृपा है, और भगवान का भजन करें हम जितना कर सकते हैं बस, और फिर हम चलते रहें, फिर भगवान ही रास्ता कोई ना कोई ढूंढेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, भगवान कोई रास्ता ढूंढेंगे। उन पे छोड़े ना, हम सॉल्यूशन हमारे हाथ में तो है नहीं। तो हृदय से, वाणी से, शरीर से जितना हो सके भगवान की सेवा करें, वैष्णव की सेवा करें, अपने कॉन्शियंस समझते हो, चेतना, हाँ चेतना, क्या कॉन्शियंस कैसे कहेंगे हिंदी में, चेतना नहीं एक्चुअली, नहीं अपने ज़मीर समझते हो, ज़मीर है, हाँ ज़मीर जो अंदर होता है, या इस्लाम में कहते हैं नफ्स, रूह की नफ्स, ज़मीर, नफ्स
एनी वे संस्कृत वर्ड नहीं आ रहा मुझे इसका, ज़मीर को क्या बोलेंगे, अपनी अंतर, हाँ, मतलब हमारा अंतर आत्मा शुद्ध होना चाहिए, जो हम कर रहे हैं भगवान के लिए कर रहे हैं, हमें उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि हम उसमें कोई खोट कर रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं, दूसरे को धोखा दे रहे हैं, भक्ति में ऐसा ना हो, बस ठीक है अपना चलते रहो, भगवान अपने आप रास्ता दिखा देंगे। कभी कभी क्या होता है, जब इंसान को कुछ भी दिखाई नहीं देता ना, भगवान को हज़ार रास्ते दिखाई दे रहे होते हैं, हम सोचते हैं अब क्या होगा, भगवान कहते हैं हज़ार रास्ते हैं, बट भगवान उसी को दिखाएंगे जो भगवान के शरणागत है। हमारे आपसे एक भी नहीं है, भगवान के आपसे हज़ार है, और भगवान दिखाते हैं टाइम आने पे सब। हमें धैर्य से उत्साह से चलते रहना बस, और हमारे हमारी अंतरात्मा में खोट ना हो, है ना, हम किसी वैष्णव को धोखा ना दें, हम भगवान के संदेश को बदले ना, हम कोशिश करें अपने आप को शुद्ध रखने की, हम हमेशा अनुभव करें कि भगवान हमारे हृदय में है, और जो हमारे वाइफ है बच्चे उनके भी हृदय में, वो भी जीव आत्मा है, तुम कोशिश करें वो डिवोटी बने, नहीं बस ऐसे चलते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये अच्छा याद रखना कि हम फंसे हुए हैं, ये तो बहुत अच्छा है हमें याद रहे मैं तो फंसा हूँ, उससे दीनता आएगी। सो आप तो भक्ति पता कितनी अच्छी, भक्ति नेगेटिव चीज़ को भी फायदे के लिए इस्तेमाल कर लेती है, ये भक्ति की महानता है। ये हरि भक्ति विलास में कोट आ रहा है कि भक्ति इतनी अच्छी है कि भक्ति पाप को भी पुण्य बना देगी। सो ग्रहम अंधम कूपम, गृहस्थी तो अंधा कुआं है, मगर भक्त उस अंधे कुएं को भी इस्तेमाल कर लेगा भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। कैसे, ऐसे कह के नहीं कि मैं तो बहुत सौभाग्यवान हूँ मैं गृहस्थ बन गया ये तो नॉनसेंस है, ये कह के कि मैं इतना दुर्भाग्य, मेरा इतना पापी हूँ मैं कि मुझे फंसना पड़ रहा है, नहीं जी। आप मेरी बात मानते हो या नहीं मानते, पता नहीं आपका हो यार प्रभु जी हम ही हमें बोल रहे हैं गृहस्थ हैं हम भगवान आप लोग हैं जो ठीक हम भी अपने आप को भाग्यवान नहीं समझते, हम सोचते हैं हम तो नर्क चले जाएंगे, हम भी अपने आप को दुर्भाग्य समझते हैं, मगर हमारा समझने का तरीका अलग है आपका अलग है। तो आपको पता होना चाहिए मेरा इतना दुर्भाग्य, इतने पाप है कि मैं गृहस्थी में फंस गया हूँ, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, और सिर्फ काम वासने के ऐसे मैं फंस गया, इतना गंदा हूँ मैं, इतना पापी हूँ, इतना घटिया हूँ। जितना आप अपने आप को नीचा सोचोगे उतने ही भगवान की नज़रों में ऊपर हो जाओगे। तो आप देख रहे हो, तो इस गंदी चीज़ को भी आप भक्ति में आगे बढ़ने के लिए इस्तेमाल कर लोगे, इसलिए भक्ति में पाप भी पुण्य बन जाता है। मारना तो पाप ही है गुरु को, भाइयों को, मगर भगवान ने क्या बोला अर्जुन को, वो ही जो शास्त्रों में घोर पाप बोला गया, गुरु की हत्या तो है ही नहीं, वही भगवान की सेवा में आके वही वो करने से अर्जुन आगे बढ़ जाएगा, जिसको करने से आप हमेशा के लिए नरक में चले जाओगे। तो भक्ति पाप को पुण्य बना देती है, और भोग वासना पुण्य को पाप बना देगी, जो भोगी है उसके लिए तो पुण्य भी पाप है, वो अच्छा काम करेगा वो उसका भी रिजल्ट बुरा आएगा। ये भक्ति की इंटेलिजेंस है। आप लोग ये सोचोगे मैं इतना दुर्भाग्य हूँ, इतना पापी हूँ, इतना अपराधी हूँ, और आपका सोचना कोई मतलब रियलिटी है, वो तो आप गप तो सोच नहीं रहे है ही ऐसा फंसे हुए हो। हे कृष्णा, तो आपके हृदय से आवाज़ निकलेगी, हे कृष्णा प्लीज़ मदद कीजिए, मैं कुछ नहीं कर पा रहा। भगवान वो आप आवाज़ और आपका रोना ही तो सुनना चाहते हैं। हम लोग क्या सोचेंगे, हम ज़्यादा सौभाग्यवान हैं आपसे, हम तो नरक में चले जाएंगे ऐसा सोचेंगे। हम लोग ये सोचेंगे कि हमारा इतना सौभाग्य था कि भगवान ने हमें बचा लिया संसार से, गृहस्थ आश्रम से और अंधे कुएं से, मगर हमारा इतना दुर्भाग्य कि हम इसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे अच्छी तरह। भगवान ने इतना समय दिया है, हमें इतने झंझट से बचाया, मगर हम इतने गंदे और कमीने हैं कि हम लोग भगवान के घर में बैठ के भी अच्छी तरह सेवा नहीं कर पा रहे, देख रहे हो। तो हम लोग ऐसे सोचेंगे, तो अब जितना नीचे जाओगे ना उतने ऊपर उठ जाओगे, बस ये तरीका है। आपको तो नीचे जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप पहले ही नीचे हो जी। तो पहले ही गड्ढे में उसको ना नीचे जाने की जरूरत है, बस आपको तो याद दिलाना मैं गड्ढे में हूँ, और उसे दीनता उत्पन्न करके भगवान को पुकारना है। हमें थोड़ा याद दिलाना पड़ता है अपने आप को
कि हम भी गड्ढे में, क्योंकि भगवान इतना देने के बाद भी हम भगवान की अच्छी तरह सेवा नहीं कर रहे, उसमें दोष हैं, इतने फॉल्ट्स हैं, मतलब भगवान ने इतना कुछ दिया हमें और हम क्या कर रहे हैं भगवान के लिए, हम तो ऐसे ही सोचेंगे ना। तो दोनों को ऐसे ही सोचना पड़ेगा बस। बहुत अच्छा है, आगे बढ़ जाओ, फिर भगवान रास्ता ढूंढेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं।